देख, वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले ये बता दे कि आईआईटी अपने घर की खेती है ना। आईआईटी अपने घर की खेती। तो हमने प्रीवियस क्लास में रेंज का कुछ क्वेश्चन किया था, आज मैं उसी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक। तो जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड रेंज ऑफ y बराबर 1/9 माइनस 7 साइन एक्स। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर 1/9 माइनस 7 साइन एक्स। तो सबसे पहले रेंज में हम क्या करते हैं, जिसे जानते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक। और खास कोशिश करना कि रेंज में जिसे जानते हैं उसे स्टार्ट करना। तो इसमें हम किसको, साइन एक्स को जानते हैं। तो देख, साइन ऑफ एक्स क्या होता है, साइन ऑफ एक्स मेरा 1 से छोटा और माइनस के 1 से बड़ा। अब उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस 7। तो माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। तो माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन माइनस का 7 और लेस देन 7। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है। तो 9 माइनस का 7 साइन एक्स ये बड़ा होगा 9 माइनस 7 से और छोटा होगा 9 प्लस 7 से। ठीक। तो 1/9 माइनस 7 साइन एक्स ये क्या होगा, ये छोटा होगा 1/2 से और बड़ा होगा 1/16 से। और y, यही तो y है। तो y मेरा बिलोंग्स कर रहा है 1/16 से लेके 1/2 तक, और यही मेरा क्या होगा, रेंज होगा। ठीक। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमसे पूछा गया कि रेंज ऑफ वाई बराबर 1/9 माइनस 7 साइन एक्स। तो हम सिर्फ किसको जानते हैं, साइन एक्स को जानते हैं। तो साइन एक्स मेरा माइनस 1 से 1 होगा। तो माइनस 7 साइन एक्स की बात करेंगे तो माइनस 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी। तो माइनस 7 साइन एक्स क्या हुआ, 7 से छोटा और माइनस के 7 से बड़ा। अब इसमें क्या कर रहा है, 9 ऐड कर रहा है। तो 9 हमने सभी जगह 9 ऐड कर दिया। अब हमसे क्या पूछा रहा है, 1/9 माइनस 7 एक्स, तो इसे 1/y कर दिया। तो 1/y करते मात्र साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ठीक। तो एक चीज और कंसेप्ट यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं कि इफ इफ एफ एक्स अगर मेरा लाइज करता है K1 और K2, अर्थात काजल 2 से काजल 1, और K1 K2 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, तो 1/fx ये होगा ग्रेटर देन 1/K1 लेस देन 1/काजल 2। आप इसे जरूर इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना कि अगर मेरा एफ एक्स लाइज करता है K2 से K1, और K1 K2 पॉजिटिव नंबर है। K1 K2 क्या है, K1 K2 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, देन 1/ एफ एक्स लाइज करेगा 1/K1 और 1/K2। इस चीज को याद कर लेना। ठीक। तो बस मैंने यहाँ पे यही किया कि मेरा ये भी फंक्शन पॉजिटिव था, यहाँ पे 2 आता और यहाँ पे 16 आता, ये भी पॉजिटिव था। तो 1/1 इतना 1/16 साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हम मेथड 2 भी लगा सकते थे। मेथड 2 क्या है, मैं बताता हूँ इसका मेथड 2 क्या है। देख, हम साइन एक्स को जानते हैं और हम जानते हैं कि साइन एक्स मेरा क्या होता है, बिलोंग्स करता है माइनस 1 से लेके 1 तक। तो वाई बराबर क्या करते हैं, 1/9 माइनस 7 और यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे 1/7 साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स का कौन सा वैल्यू लेते जिसके कारण ये मिनिमम होता, सॉरी ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम, सॉरी ये मैक्सिमम तो ओवरऑल ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, x के जगह हम 1, साइन x के जगह 1 डालते हैं, यहाँ साइन x के जगह माइनस का 1 डालते। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बिलोंग्स करता
वन माइनस, अच्छा यहाँ पे अगर वन डालेंगे तो इसमें से कुछ घटेगा तो नीचे में क्या आएगा, नीचे में कोई बड़ा नंबर आएगा, और नीचे में अगर सॉरी नीचे में छोटा नंबर आएगा, और नीचे में छोटा नंबर आता है डिनोमिनेटर में तो वो क्वांटिटी बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का वन और यहाँ पे प्लस का वन, तो वन माइनस नाइन माइनस माइनस प्लस सेवन डिवाइडेड बाय वन अपॉन नाइन माइनस सेवन, अर्थात y मेरा बिलोंग्स करता है 1/16 से लेके 1/2 तक। हमने क्या किया कि sin x मेरा माइनस वन से वन तक है, तो हमने बस किया कि 1/9 - 7। अब sin x का यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे तो 1/2 आता, तो 1/2 तो 1/16 से बड़ा है, इसलिए sin ऑफ x का मेरा को मिनिमम वैल्यू यहाँ लेना पड़ा, ठीक, तो वहाँ से क्या आया, छोटा आ गया। ये मेथड पूरा था, दूसरा अप्रोच था, अब इससे भी जा सकते हो, आपको जो पसंद आए उससे चल जाना। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि रेंज ऑफ y बराबर साइन 3x square, इसका रेंज हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में अगर इसका रेंज पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका दो मेथड, या तो तुम ग्राफ से चल जाओ, या तो तुम क्या करो ग्राफ से चल जाओ, या फिर नॉर्मल तरीका से आओ। तो देख 3x square एक पॉजिटिव नंबर है, तो देख y बराबर साइन ऑफ 3x square लिखा हुआ है, ठीक, तो देख 3x square कभी जीरो देगा तो यहाँ से क्या आएगा साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है जीरो, ठीक। अब देख 3x square कभी ना कभी तो π/2 भी देगा, अब कब देगा ये बात आती है, कब देगा, तो देख यहाँ से x square कब क्या आएगा π/6, अर्थात x बराबर प्लस माइनस π/2 × π/6 पे ये क्या देगा 3x square π/2 देगा। तो हम क्या जानते हैं साइन π/2 क्या होता है 1 होता है। अब देख 3x square कभी भी तो 3π/2 भी तो देगा ना, तो ये 3 कैंसिल हो गया, अर्थात x बराबर प्लस माइनस √π/2 पे ये क्या देगा 3x square 3π/2 देगा। तो यहाँ से अगर साइन 3x square की जगह 3π/2 रखे तो साइन 3π/2 क्या होता है माइनस का 1, तो मिनिमम वैल्यू कितना है इसका माइनस का 1, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, तो मेरा फाइनली रेंज अर्थात y बिलोंग्स करेगा मेरा माइनस के 1 से लेके 1 तक। ये इसका मेथड 1 था। हम मेथड 2 की बात करते हैं, तो मेथड 2 इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप बाई ग्राफ्स चल जाओ। तो हम क्या जानते हैं कि देख 3x square क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होता है, अरे होता है ना भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो 3x square क्या होता है 0 से बड़ा होता है। तो देख हम साइन x का ग्राफ बनाते, तो साइन x का ग्राफ क्या होता है ऐसे होता है और इधर ऐसे होता है, तो साइन के अंदर अगर मान ले कि क्या होता है साइन x, तो साइन x x का सारा वैल्यू लेता है, लेकिन इस बार साइन के अंदर क्या है 3x square क्या है साइन के अंदर, इस बार क्या है 3x square। अगर साइन के अंदर x आता था तो x का सारा वैल्यू लेता था अर्थात सारा ग्राफ ड्रॉ होता था, लेकिन इस बार साइन के अंदर क्या है 3x square, तो 3x square के बारे में क्या करते हैं 3x square 0 से बड़ा है, तो साइन का ग्राफ 0 से बड़ा में ड्रॉ कर ले। तो मैंने 0 अगर इसे लिया तो 0 से बड़ा क्या होगा ये होगा, तो ये मैक्सिमम मिनिमम कितना दे रहा है मैक्सिमम 1 दे रहा है और मिनिमम माइनस का 1 दे रहा है, ठीक। तो मेरा रेंज क्या होगा y बिलोंग्स टू -1 से 1। ये मेथड 2 था इसका। आपको जो भी तरीका से जाना दोनों तरीका से जा सकते हो। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे, तो IIT अपने घर की दाल मुर्गी के बराबर है, थोड़ा भी धैर्य और पेशेंस बनाए आसानी से हो जाएगी,
मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूँ प्रीवियस ईयर के लेता हूँ और सारे आईआईटी या मेंस की क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और आईआईटी को आप लोग फोड़ सकते हो, बस आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि y बराबर साइन रूट एक्स। ठीक, साइन रूट एक्स, फाइंड रेंज। तो देख, फाइंड रेंज की बात करता है तो इसका भी दो तरीका क्या है, या तो आप एनालिटिकल मेथड से जाओ, पुट पुट करके देख लो, या फिर ग्राफ से जाओ। हम दोनों तरीका से बनाते हैं कि देख, रूट एक्स कभी जीरो देगा तो रूट एक्स जीरो कब देता है, एक्स बराबर जीरो पे देगा ना। रूट एक्स मेरा पाई बाई टू देगा, कब देगा, जब एक्स बराबर पाई स्क्वायर बाई फोर हो। रूट एक्स थ्री पाई बाई टू देगा, देगा ना, जब एक्स बराबर मेरा क्या हो, नाइन पाई स्क्वायर बाई फोर हो। जब रूट एक्स जीरो दिया तो वाई बराबर क्या होगा, साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, अच्छा, रूट एक्स बराबर अगर थ्री पाई बाई टू दिया तो वाई बराबर साइन थ्री पाई बाई टू। साइन थ्री पाई बाई टू कितना होता है, माइनस का वन होता है, और यहाँ से अगर रूट एक्स ने पाई बाई टू दिया तो साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन होता है। तो देख, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस का वन, मैक्सिमम कितना है, वन। तो मेरा वाई क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा माइनस के वन से लेके वन तक। ये इसका आपको मेथड वन था। मैं मेथड टू ग्राफिकल मेथड की बात करता हूँ। तो ग्राफ से कैसे जा सकते हो, ग्राफ से कैसे बनाओगे, साइन एक्स का ग्राफ बना लेना। ठीक, ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है ना। अब देख, हम सेम कंसेप्ट इसका भी, वाई बराबर साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाते थे तो क्या करते थे, एक्स हम माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक लेते थे, लेकिन इस बार हमको किसका ग्राफ बनाना है, वाई बराबर साइन रूट एक्स का। तो हम क्या करेंगे, साइन के अंदर जीरो से बड़ा लेंगे, अर्थात साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी है साइन के ग्राफ में, जीरो से बड़ा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो साइन के अंदर जीरो से बड़ा क्या आ रहा है, ये सारा ग्राफ मेरा ड्रॉ हो रहा है ना। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितना जा रहा है, मिनिमम वैल्यू माइनस का वन जा रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, प्लस का वन जा रहा है। तो वाई मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से लेके वन तक। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम मिटा रहे हैं, आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि y बराबर मेरे पास है रूट थ्री साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। फाइंड रेंज हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो देख, ये क्या होगा, सो हमने क्या बताया था, अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अंदर कोई अगर लीनियर फंक्शन जाता है तो उसका रेंज क्या होता है, जो उसका वास्तविक रेंज होता है। तो साइन के अंदर क्या है, लीनियर फंक्शन एक्स प्लस पाई बाई फोर, तो इसका रेंज क्या होगा, वन से लेके माइनस का वन तक। अब इसका रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट थ्री साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर का रेंज क्या होगा, रूट थ्री से छोटा और माइनस के रूट थ्री से बड़ा। तो यही मेरा रेंज हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देख, एक कंसेप्ट है। ठीक, एक कंसेप्ट क्या है कि अगर y बराबर p sin x, अर्थात प्रियंका ऑफ sin x प्लस n cos x, निक ऑफ cos x, तो मेरा y बिलोंग्स करता है माइनस रूट अंडर प्रियंका का स्क्वायर प्लस निक स्क्वायर से लेके रूट अंडर प्रियंका का स्क्वायर प्लस निक स्क्वायर तक। क्या हुआ, जब कोई भी फंक्शन y बराबर p sin x प्लस n cos x का हो, तो y अगर हमसे रेंज पूछा जाए तो y मेरा बिलोंग्स करेगा रूट अंडर माइनस रूट अंडर p स्क्वायर, अर्थात प्रियंका के स्क्वायर प्लस
प्लस निक का स्क्वायर से लेके रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस निक का स्क्वायर था। ठीक, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की बात। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि वाई बराबर 3 sin x प्लस 4 cos x, अगर हमसे रेंज पूछा जाए तो y मेरा बिलोंग्स करेगा रूट अंडर प्रियंका के जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, n n निक के जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर से लेके रूट के अंदर 3 square प्लस 4 square तक, अर्थात y मेरा बिलोंग्स करेगा -5 से लेके प्लस का 5 तक। ठीक, इस एग्जांपल की बात हुई और ये कंसेप्ट की बात हुई। अब प्रियंका कौन है, निक कौन है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये दूसरे क्या है, प्रियंका चोपड़ा एक इंडियन एक्ट्रेस है और उसके पति का नाम है निक जोनस। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि देख, फाइंड रेंज ऑफ फाइंड रेंज ऑफ y बराबर साइन एक्स प्लस रूट 3 cos x प्लस का 5, ये है। तो इसका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स करेगा। अच्छा, हमें तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना के बारे में तो पता है कि ये बिलोंग्स किससे करेगा, अंडर रूट माइनस पी के जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और n के जगह क्या है रूट 3, तो रूट 3 के का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, प्लस से लेके 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या बिलोंग्स करेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 क्या होता है रूट 4, तो रूट 4 मतलब 2, तो माइनस 2 से लेके 2 तक, और उसमें 5 जोड़ दोगे ना, तो y मेरा बिलोंग्स करा इतना से लेके इतना तक। अब देख, अब क्या कर कि y बिलोंग्स करेगा मेरा कहाँ से कहाँ तक, माइनस रूट प्लस का 5 से लेके 2 प्लस का 5, अर्थात तो y मेरा बिलोंग्स करेगा कितना 3 से लेके 7 तक, और y जहाँ से जहाँ तक बिलोंग्स करता वही तो मेरा रेंज होता है, तो यही मेरा क्या हुआ, रेंज हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं, होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज क्या होता, हमने ये 11th में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। मैं फिर से 12th में उसका रिविजन करूँगा और शॉर्ट में करूँगा। ठीक, तो देख, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, y बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक, सबसे पहले इसके वर्टेक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शायद जिन्होंने नहीं पढ़ा है 11th में, वो 12th में इसके वर्टेक्स के बारे में जान ले कि इसका वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है माइनस के b/2a, और इसका y कोऑर्डिनेट होता है माइनस का d/4a। ठीक, इसको निकालने का मेथड 1 में बता रहा हूँ, ठीक, सॉरी मेथड 2 बता रहा हूँ, मेथड 1 शायद मैंने 11th में ही पढ़ा दिया। वर्टेक्स निकालने के लिए करेगा तो क्या करेंगे, dy/dx को 0 के बराबर कर देंगे, तो dy/dx करेंगे तो ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2ax, ठीक, और bx का डिफरेंशिएशन b बराबर 0, तो x बराबर क्या आया माइनस का b/2a आ गया ना। अब जब x बराबर माइनस का b/2a इसमें रखेंगे तो वो आ जाएगा माइनस के d/4a। ठीक, तो वर्टेक्स यहाँ से आ जाएंगी, वर्टेक्स की x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। तो देख, इसका रेंज की बात करेंगे तो देख, अगर y बराबर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c लिखा हुआ, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव है, a क्या है कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, अगर कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक या तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बन सकता है, या तो ऐसा बनेगा या फिर
या फिर क्या बने, ऐसा बनेगा, बनेगा ना, या फिर कैसा बन सकता है, या फिर ऐसा बन जाए। तो उस क्वाड्रेटिक का जो रेंज होगा वो रेंज या तो यहाँ, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इस यहाँ से लेके ऊपर तक, और यहाँ बन रहा है तो यहाँ से लेके ऊपर तक, यहाँ बन रहा है तो यहाँ से लेके ऊपर तक। लेकिन सबों के लिए एक ही कंडीशन क्या होगा कि मेरा वाई जो बिलोंग्स करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट अर्थात माइनस के डी वाई 4a से लेके इन्फानाइट तक, जब उसका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी वही क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अर्थात a नेगेटिव हो तो वो कैसा बनेगा, तो वो देख मैं बताता हूँ वो कैसा बनेगा। वो या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। उस केस में उसका रेंज क्या होगा, तो उस केस में उसका रेंज क्या होगा कि हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे कितना है, माइनस इन्फानाइट से क्या कर सकते हैं, उसके वर्टेक्स तक जा सकते हैं। तो इस केस में जो y बिलोंग्स करेगा सेम माइनस इन्फानाइट से लेके माइनस के डी वाई 4a तक, माइनस डी वाई 4a तक बिलोंग्स करेगा। आप लोग को समझ में आई? अगर आप लोग को समझ में आई ये वीडियो तो आप इसको शेयर करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले, हो सके तो लाइक और कमेंट कर देना। ठीक, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लगभग 11th में 17 से 18 लेक्चर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था। ठीक, तो आपको सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे फंक्शन के, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे हर चैप्टर का वीडियो इस प्लेलिस्ट में, मतलब इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और सारे वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज, सॉरी चैप्टर वाइज नाम लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज भी आप खोज सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड रेंज ऑफ y बराबर 3x² प्लस का 4x प्लस 5। तो देख इसका कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर की बात करेंगे तो cof ऑफ x स्क्वायर जो कि 3 है, 0 से बड़ा। बस इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या करेगा, माइनस के डी वाई 4a से लेके इनफाइनाइट होगा। अब मैं माइनस का डी वाई सॉरी डी निकालता हूँ पहले। डी क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये 10th में पढ़ा होगा, कब पढ़ा होगा, 10th में। बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ए कितना है 3, सी कितना है 5, तो y बराबर क्या आ रहा है मेरा 16 माइनस का 4 बन 20 दिया 60, तो 60 अर्थात y मेरा क्या आ रहा है माइनस का 44। ठीक, तो y बिलोंग्स करेगा d के जगह क्या रखेंगे, माइनस का 44, तो माइनस माइनस का 44 डिवाइडेड बाय 4, a के जगह क्या रखेंगे 3 से लेके इनफाइनाइट तक, अर्थात y मेरा बिलोंग्स करेगा, ये कैंसिल हो गया, तो 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक करेगा ना। ठीक, अब हम इसी क्वेश्चन में रेंज ऑफ ग्राफ इसका ड्रॉ करें, नहीं करें, मैंने 11th में कर दिया था ग्राफ, ऐसे भी रेंज में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले कि फाइंड रेंज ऑफ y बराबर x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। तो देख इसमें भी कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो क्या है cof ऑफ x स्क्वायर 1 है जो कि 0 से बड़ा है। इसका रेंज क्या हुआ, y बिलोंग्स टू माइनस के डी वाई 4a से इनफाइनाइट, तब इसका d क्या होगा, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 1, c कितना 1 अर्थात माइनस का 3, तो y मेरा बिलोंग्स करेगा माइनस इंटू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a कितना है 1 से लेके इनफाइनाइट।
अर्थात वाई बिलोंग्स करेगा मेरा 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक, तो हमने क्या बताया था कि देखिए इनइक्वालिटी जब हमने 11th में पढ़ा था तो ये बात मैंने जरूर बोली थी कि आज हम नेगेटिव क्वांटिटी से गुना करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लेकिन अब मैं ये बात भी बोलने जा रहा हूँ आप सबको कि अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन की लगाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ता और वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो हम कंसेप्ट की बात करेंगे बाद में, पहले हम क्या लिखते हैं हेडिंग। तो लिखते हैं कि रेंज ऑफ एफओजी टाइप क्वेश्चन। तो देख एफओजी टाइप्स क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, उसका बेसिक फंक्शन नेचर। ठीक, जानकारी हमें क्या चाहिए, जानकारी बेसिक फंक्शन नेचर। अब देख मैं बताता हूँ, अगर बेसिक फंक्शन अगर मेरा इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बेसिक फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, रेंज ऑफ वाई बराबर रूट अंडर क्या है 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, ये है। तो देख सबसे पहले इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये किसकी तरह y बराबर अंडर रूट x की तरह है। तो y बराबर अंडर रूट x का ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऐसा होता है, अर्थात इस फंक्शन का नेचर क्या है। देख हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट से राइट की ओर। जैसे जैसे आगे जा रही है ये फंक्शन क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने पे क्या करेगा, ये सेम इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएंगे। तो अब मैं जानता हूँ इसमें जानता किसको हूँ, मैं किसको जानता हूँ 3x² प्लस का 4x प्लस 5 को जानता हूँ। ठीक, तो अभी अभी हमने इसका रेंज निकाला था, इसका रेंज शायद था 11/3 से लेके इनफाइनाइट। तब पर भी मैं एक बार देख लेता हूँ क्या था इसका रेंज, 11/3 से लेके इनफाइनाइट था, अर्थात 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 बिलोंग्स कर रहा है इनफाइनाइट से छोटा है और 11/3 से बड़ा है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, अंडर रूट ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है अंडर रूट। तो जैसे ही अंडर रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे अंडर रूट 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अंडर रूट इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी क्या होगा, अंडर रूट 11/3। तो अंडर रूट 11/3 अंडर रूट 11/3 ही रहेगा से लेके ये y है मेरा, और अंडर रूट इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक, तो y मेरा बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, y मेरा बिलोंग्स कर रहा है के इनफाइनाइट, और यही वाई क्या होता है, मेरा रेंज होता है। तो इस फंक्शन का रेंज क्या आ गया, रूट अंडर 11/3 से लेके इनफाइनाइट आ गया, ना आ गया, शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो वाई मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, वाई बिलोंग्स कर रहा है मेरा अंडर रूट 3 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेंज ऑफ y बराबर e की पावर 3x² प्लस 4x प्लस की 5। तो हम देख ये इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, y बराबर e की पावर x जैसा है ना। तो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो y बराबर e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, तो राइट से लेफ्ट की ओर जाते तो ग्राफ क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, और जब ग्राफ ऊपर की ओर जाता है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो y बराबर e की पावर x एक क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देख सेम कहानी ये चलेगा, 3x² प्लस 4x प्लस 5 यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बात आई तो e की पावर लग रहा है, तो अंडर रूट यहाँ तो नहीं लग रहा है,
तो यहाँ से कहानी का पूरा सारांश चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि e की पावर 3x² + 4x + 5 बिलोंग्स करेगा e की पावर 11/3 से लेके e की पावर इनफाइनाइट। तो e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होता है और e की पावर 11/3 ये होता है और ये y है। तो y मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, y मेरा बिलोंग्स कर रहा है e की पावर 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो यही मेरा क्या होगा, रेंज होगा। अरे होगा ना, होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलो। सर आपने तो सारा इंक्रीजिंग फंक्शन को ही लेके बताया, तो कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन को लेके भी बता दो ताकि मेरा डाउट क्लियर हो जाए कि सर डिक्रीजिंग फंक्शन में हम करेंगे क्या। तो मैं लिया रुक, अरे बाबा रुक, यो माई डार्लिंग, ओ बाबा रुक। तो अब देख मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट मैं क्या लाता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट यही है कि y बराबर e की पावर -3x² + 4x + 5 ये है ना। तो देख हम इसमें जानते किसको, सबसे पहले ये कैसा लिखा, y बराबर e की पावर माइनस एक्स जैसा। तो देख e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना ही, ये तो e की पावर x का ग्राफ है। तो फिर e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, होता ना y बराबर e की पावर x का ग्राफ, सॉरी e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो देख राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, सॉरी लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे हैं, लेफ्ट से अगर राइट की ओर आ रहा है तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन, अरे है ना, बोलो है ना। तो देख इसमें क्या है, हम किसको जानते हैं, 3x² + 4x + 5 बिलोंग्स करता है मेरा क्या, 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, e की पावर -3x² + 4x + 5। तो देख सबसे पहले ये 3x² + 4x + 5 इनफाइनाइट से छोटा और 11/3 से बड़ा है। अब ये क्या, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो e की पावर देख, e की पावर 3x² + 4x + 5 ये e की पावर माइनस इतना, ये क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू e की पावर -11/3 से लेके e की पावर माइनस इनफाइनाइट तक, अर्थात मेरा हुआ e की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, 1/e की पावर इनफाइनाइट और 1/e की पावर इनफाइनाइट अर्थात 1/e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो 1/ इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आएगा, e में ये जो बिलोंग्स करेगा, यहाँ तक दिख रहा है ना, चलो एक मिनट, दिख रहा है ना, दिख रहा है, शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक। तो y बड़ा क्या, -3x² + 4x + 5 है ना, ये क्या होगा, ग्रेटर देन e की पावर माइनस का इनफाइनाइट। अब देखिए e की पावर 11 माइनस का 11/3, तो e की पावर माइनस का 11/3 तो माइनस का 11/3 रहेगा और e की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो मेरी ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, ये फंक्शन बिलोंग्स कर रहा है 0 से लेके वे 0 पे ओपन e की पावर माइनस का 11/3 तक। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ भैया बताओ। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर एक ही आपने क्या किया डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में दिया। सर ऐसे थोड़ी ना चलता है सर, आप इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में दो दो ले लेते हो और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में एक ले लेते हो। सर बाई चांस मेरे से यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूँगा सर। हाँ रुक, मैं इसका इलाज बताता हूँ, मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ जहाँ से तेरा सारा व्यू क्लियर हो जाएगा। तो y बराबर ले रहा हूँ 1/3x²
प्लस का 4x प्लस का 5। सर ये तो y बराबर 1 बाई एक्स जैसा दिख रहा है मुझे। तूने सही सोचा, ये y बराबर 1 बाई एक्स की ही तरह दिख रहा है। तो सर बट y बराबर 1 बाई एक्स मुझे नहीं पता सर, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो मैं बोलूँगा बेटा तू 11th में जो पढ़ा था फिजिक्स में y बराबर 1 बाई एक्स का ग्राफ, तो तुझे याद आएगा। हाँ सर मैंने तो पढ़ा था, तो वो ग्राफ कैसा था? ऐसा था ना। अच्छा इस ग्राफ में राइट से लेफ्ट की ओर जा, सॉरी राइट से नहीं, लेफ्ट से राइट की ओर जा। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर ये फंक्शन क्या हो रहा है? धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि घट रहा है। इधर भी देख, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे तो ये फंक्शन घट रहा है। तो ये फंक्शन का नेचर क्या है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। अच्छा सर डिक्रीजिंग फंक्शन, अब तो मुझे पता चल गया। अब मैं तो ये क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा दूंगा। तो देख सर मैं तो इसको जानता हूँ, किसको? 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये क्या है? इनफाइनाइट से छोटा है और 11/3 से बड़ा है। तो सर 1/3x² अर्थात डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1/3x² प्लस 4x प्लस 5 ये बड़ा होगा 1/∞ से, और सर छोटा होगा 1/11/3 से, अर्थात ये ऊपर जाएगा। तो 3/11 से ये क्या होगा? छोटा होगा, और 1/∞ 0 से बड़ा होगा। तो सर मेरा वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है? वाई बिलोंग्स कर रहा है 3/11 से लेके, नहीं नहीं ओपन 0 से लेके 11/3, यानी कि 3/11 तक। तो यही मेरा क्या होगा? फंक्शन का रेंज होगा। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देख मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर आपने तो बोला था सर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन चल गया तो उसका रेंज वही होगा जो साइन एक्स या कॉस एक्स का रेंज होता था, या फिर टेन एक्स या फिर कॉस एक्स का। सर अगर उसके अंदर दूसरा फंक्शन चल जाएगा तो क्या करूँगा सर? मुझे तो सदमा आएगा। तो उस सदमा का क्या इलाज है सर? तो मैं बताऊँगा, हाँ उस सदमा का इलाज है। अब देख तेरे पास ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्वाड्रेटिक दे दे। सर आई 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। अब तो मैं नहीं बनाने वाला सर, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा सर। क्या बकवास सर, आपने बोला था साइन के अंदर लीनियर फंक्शन दे दो तो मैं बना दूंगा। अब साइन के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दी, मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ के चल जाता हूँ, आपका नहीं बढ़ूंगा आज से। तो मैं बताऊँगा रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, हम क्या जानते हैं 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 बिलोंग्स करता है 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? साइन। तो साइन का हम ग्राफ बनाएंगे, बनाएंगे ना बनाएंगे, इधर भी जाएगा, जाएगा ना। तो देख y बराबर अगर साइन x रहता था तो हम क्या करते थे? x पे कोई थोड़ी ना रेस्ट्रिक्शन था, कुछ भी ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, y बराबर इतना, और तो क्या करेंगे साइन का ग्राफ बनाएंगे और इतना से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होता था? ये जीरो होता था, तो होता था ना जीरो जीरो। अच्छा ये पाई, तो 11/3 का मतलब क्या हो रहा है सर? 11/3 का मतलब क्या हो गया कि 3 पॉइंट मान ले 11/3, तो 3.727 अगर मैं बात करूँ 3.7, देख 11/12 होता तो 4 होता, लेकिन ये 4 से थोड़ा कम होगा, लेकिन ये कितना होगा 3 और 2 0, तो 3.6 समथिंग कुछ आएगा। तो 3.6 पाई का मतलब क्या होता सर? पाई का मतलब होता सर 3.14 होता है, ये तो मैंने 10th में पढ़ा था। हाँ तूने सही पढ़ा था 10th में। तो सर ये पॉइंट क्या होता था 3π/2। ठीक, तो ये ग्राफ क्या होगा 3π/2 मतलब कि क्या होगा 3 × 1.57, जो कि शायद इससे मेरे हिसाब से ज़्यादा या कम जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमें मान ले कि अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो ये मान ली यहाँ पे आया, ठीक। तो यहाँ से लेके हम क्या करेंगे, सारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अरे करेंगे ना करेंगे, और आगे तक जाएगा। तो सर इस ग्राफ को हमने ड्रॉ किया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितना पता चला, तो मैक्सिमम वैल्यू तेरे को कितना लग रहा है 1, मिनिमम वैल्यू कितना लग रहा है माइनस का 1। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, माइनस के 1 से लेके 1 तक होगा ना, अरे भाई होगा ना ये बताओ, ठीक। तो इस फंक्शन का रेंज बिलोंग्स करेगा माइनस 1 से लेके 1 तक। अब हम डोमेन, हम उस फंक्शन की बात करते हैं जब किसी भी फंक्शन का डोमेन पार्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन हो। तो व्हेन डोमेन इज नॉट इंटरवल, ठीक है हम वो बात करते हैं कि व्हेन डोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट इन इंटरवल। तो देखो अब हम ये टाइप, जो भी टाइप हो पता नहीं, अब हम रेंज निकालने का एक नया कंसेप्ट और सीख रहे हैं, ठीक। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मेरे पास क्या है दिख रहा ना सबको, सिर्फ व्हेन, इसका पॉइंट वन लिखना है कि व्हेन डोमेन इज नॉट इंटरवल, अगर मेरा डोमेन इंटरवल में ना हो, ठीक। और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन डोमेन इज सर्टेन पॉइंट ओनली, व्हेन डोमेन इज सर्टेन पॉइंट ओनली। तो इस ऐसे क्वेश्चन में, अर्थात देखो उसका जो यहाँ पे डोमेन क्या था, यहाँ पे डोमेन डिफाइन था, सॉरी डोमेन क्या था, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हम हमेशा खेलते थे। अब ये बोल रहा है कि सर डोमेन किसी इंटरवल में ना देखे, पार्टिकुलर पॉइंट पे दे, तो उस फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे। तो ये कंसेप्ट किससे आएगा, क्वेश्चन से ही आएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ऐसे इस कंसेप्ट हम देख चुके हैं जब मैंने एनसीईआरटी या एनपीआर का क्वेश्चन करवाया था, तो इस कंसेप्ट का यूज़ किए थे, लेकिन मैंने चलो यहाँ पर लिख भी दिया। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन मेरे पास है कि रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देख मैं बात कर रहा हूँ इसकी, कि देख हम क्या जानते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स, अरे भाई क्या जानते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स जीरो होता है जब मेरा एक्स इंटीजर से बिलोंग्स करता है, या फिर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस वन होता है जब मेरा एक्स इंटीजर नहीं होता है। तो देख रूट अंडर के, रूट के अंदर कोई भी चीज़ पॉजिटिव होता है तो रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं होगा, रूट के अंदर जीरो हो सकता है, तो यहाँ से ये चलेगा। और एक कंडीशन क्या होगी, जब ये होगा तो इसके कारण क्या डोमेन आएगा, इसके कारण कि मेरा एक्स क्या होना चाहिए, सारा इंटीजर होना चाहिए, ये इस फंक्शन के कारण आया। अब उधर से जब इस फंक्शन को फरफराहट होगी तो दूसरा फंक्शन दौड़े हुए आएगा कि भाई मेरा भी कुछ कर, मेरा भी कुछ कर। तो टू माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अच्छा तो यहाँ से क्या आएगा, टू ग्रेटर देन मॉड एक्स मतलब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू टू, तो यहाँ से क्या आएगा कि एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस टू से लेके टू तक। तो बोलेगा भाई सबका कर दिया इलाज, तू कहेगा मैं तो तुमसे रूठ गया सनम, तूने मेरा कुछ नहीं किया। तो उधर से एक आवाज़ आएगा, सर मैंने तो किया ना, क्या कि भाई तू नीचे में सिर्फ जीरो नहीं होना, अर्थात एक्स मेरा जीरो नहीं होगा। अब फाइनली जब एफ एक्स प्लस जी एक्स का डोमेन निकालते थे तो क्या करते थे, इंटरसेक्शन लेते थे एफ एक्स और जी एक्स का, यहाँ तीन है तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये क्या बोलता है, एक्स मेरा इंटीजर होना चाहिए, चलेगा। ये बोलता है कि एक्स मेरा माइनस टू से टू होना चाहिए, और ये बोलता है कि मेरा एक्स
मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो तीनों फंक्शन का कॉमन डोमेन क्या आ रहा है कि माइनस टू से टू तक इंटीजर लेंगे, उसमें से जीरो नहीं लेंगे। तो माइनस टू से लेके टू तक इंटीजर क्या आएगा, माइनस का टू, माइनस का वन, वन और टू, क्योंकि जीरो हमको लेना नहीं है। ठीक, तो डोमेन निकाल लिए। अब डोमेन निकाल लिए तो रेंज की बात करेगा, तो इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा, डोमेन क्या, मतलब एक्स का हम कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ एक्स में माइनस टू, माइनस वन और वन टू ही ले सकते हैं। तो इसकी रेंज की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर माइनस टू रखेंगे। ठीक, एक बार माइनस का वन रखेंगे, एक बार वन रखेंगे, एक बार टू रखेंगे और चेक करेंगे। तो हमने डोमेन डिफाइन कर लिया, जब मैंने डोमेन डिफाइन कर लिया तो रेंज की बारी आई। ठीक, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया था, इस फंक्शन का डोमेन मेरा क्या था, x बिलोंग्स टू माइनस टू, माइनस वन, वन और वन, सॉरी टू। तो रेंज क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक बार f ऑफ माइनस टू निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंटीजर पे जीरो हो रहा था, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो जीरो ही होगा। अब देख, टू माइनस टू मॉड ऑफ टू प्लस वन बाय माइनस टू का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा, अरे प्यारे विद्यार्थियों, टू माइन मॉड क्या होगा, मॉड माइनस टू का टू ही होगा, तो टू माइनस टू जीरो, तो ये क्या आएगा, वन बाई फोर। अब हम एफ ऑफ टू की बात करते हैं, तो एफ ऑफ टू क्या आएगा, तो देखिए ये तो जीरो देगा इंटीजर पे, टू माइनस मॉड ऑफ टू, सॉरी मॉड ऑफ टू प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, तो ये भी क्या देगा, वन बाई फोर देगा। एफ ऑफ माइनस वन क्या आएगा, तो एफ ऑफ माइनस वन आएगा कि देखिए ये तो इंटीजर देगा, ये तो पता है, रूट अंडर टू और माइनस वन का मॉड वन ही होगा, प्लस वन बाई माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, वन टू, हाँ वन प्लस वन, क्या आया, टू आया। एफ ऑफ वन की बात करेंगे तो एफ ऑफ वन भी क्या देगा, एफ ऑफ वन भी टू देगा। तो फाइनली मेरा रेंज क्या आ रहा है, रेंज दो ही चीज़ का आ रहा है, या तो टू आ रहा है या वन बाई फोर आ रहा है। तो मेरा रेंज क्या होगा, रेंज मतलब वाई बिलोंग्स करेगा कर्ली ब्रैकेट टू और वन बाई फोर। अरे आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलो। ठीक, अब हम एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था, हो सकता है शायद आप लोग ने भूल गया हो, पहले आप लोग इसे नोट कर लें, तो मैं उसे फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। अब उसे हम रिवीजन कैसे करेंगे, तो देख वो क्वेश्चन मेरे पास क्या था, क्वेश्चन मेरे पास था कि y बराबर साइन स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ x प्लस वन है सर, हाँ वन। तो ये से कौन सा टाइप है, तो ये टाइप है सर रेंज ऑफ हिडन क्वाड्रेटिक। ठीक, ये टाइप क्या है मेरे पास, रेंज ऑफ हिडन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक द रेंज ऑफ हिडन क्वाड्रेटिक। अब हिडन का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे क्या लेते थे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस वन, तो ये x सारे रियल नंबर के लिए होता था, x मेरा क्या होता है, रियल नंबर। लेकिन साइन स्क्वायर x या साइन x सारे रियल नंबर थोड़ी ना देगा, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, साइन x को इस बार हम क्या करते हैं, क्या मान ले आपकी फेवरेट श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर भी नहीं मानेंगे इस बार, अच्छा मानेंगे इस बार, मान लेते हैं साइन एक्स को पी मान लेते हैं, प्रियंका चोपड़ा। तो देख साइन एक्स बराबर पी, तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस वन से वन। तो यहाँ पे एक्स क्या होता था, बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस वन से वन है। तो वाई बराबर क्या लिखा हुआ, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन। अब क्या करते थे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स तो हमें पता है माइनस बी बाई टू ए से माइनस का डी बाई फोर ए होता है, होता है ना। तो इसका बी क्या है,
बी क्या है, वन, तो माइनस का वन बाय टू यानी वन से लेके माइनस का डी, तो इसका डी निकाल लेते। डी क्या, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना वन माइनस फोर, ए बी वन सी बी वन अर्थात माइनस का थ्री, तो थ्री माइनस का थ्री और माइनस थ्री फोर इंटू ए अर्थात इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस के वन बाई टू से लेके थ्री बाय फोर तक। तो ऐसे क्वेश्चन का एक ही इलाज है कि आप बच्चे ग्राफ से जाओ, इस क्वेश्चन का एक ही इलाज है कि आप ग्राफ से जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होगा, ये होगा, होगा ना। अच्छा, हमें यहाँ पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पी है, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन, तो पी हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, पी हम माइनस वन से वन तक लेंगे। तो मान लेते वन यहाँ आएगा, माइनस का वन यहाँ आएगा, आएगा ना। अच्छा, ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स कितना है मेरा, एक्स बराबर जीरो होगा, सॉरी पी बराबर जीरो, ये वर्टेक्स कितना है, माइनस का वन बाई टू। तो इस वर्टेक्स पे क्या आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट, माइनस का वन बाई टू एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, थ्री बाई फोर है ना। अब हम क्या करेंगे, हमको पी बराबर वन भी तो शामिल करना है, तो पी बराबर वन अगर यहाँ पे डालते हैं तो क्या आएगा, पी बराबर अगर वन यहाँ लेंगे तो क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अर्थात थ्री। तो पी बराबर वन पे ये कितना दे रहा है, थ्री, ठीक। तो ये पी बराबर वन पे कितना देगा, ठीक। तो पी बराबर वन पे अगर पी बराबर सॉरी माइनस का वन लेंगे, तो पी बराबर माइनस का वन लेंगे, तो यहाँ से पी बराबर माइनस का वन रखते हैं, तो माइनस का वन का स्क्वायर और पी बराबर माइनस का वन, तो माइनस का वन प्लस का वन, तो ये क्या दे रहा है, पी बराबर माइनस के वन पे माइनस का वन ही दे रहा है। तो माइनस का वन क्या होगा, यहीं पे आ जाएगा, आएगा ना। तो देख, ये क्वाड्रेटिक, सॉरी ये, हाँ ये क्वाड्रेटिक बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक रहा है, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कितना बन रहा है, इतना ही बन रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है, कितना पे है, थ्री बाई फोर पे है ना, और मैक्सिमम कितना है, थ्री है। तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा, रेंज अर्थात वाई बिलोंग्स करेगा मेरा थ्री बाई फोर से लेके थ्री तक, इस क्वाड्रेटिक का रेंज यही होगा। समझ में आया तो आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। कमेंट में जो भी गड़बड़ है वो भी लिखे, जो आपको अच्छा आता है वो भी लिखे, बस रिस्पॉन्स करना ना भूले। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रेंज के कुछ और अच्छे और नए कंसेप्ट के क्वेश्चन के साथ। तो सी यू, बाय बाय।